देश की केंद्रीय सरकार ने माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आखिरी कैबिनेट की बैठक की और उसमें पुनः दिल्ली वालों को गुमराह करने की कोशिश की गई। दिल्ली के अंदर जैसा मैंने बार बार दोहराया है कि दिल्ली के लोग 1.25 लाख करोड़ रुपए टैक्स के रूप में केंद्र सरकार को देते हैं और पिछले 5 साल में लगातार केंद्र की भाजपा सरकार ने दिल्ली को केवल और केवल 325 करोड़ रुपए वापस किए। पिछले 4 महीने से लगातार केंद्र की सरकार झूठ बोल रही थी कि दिल्ली सरकार अनऑथराइज कॉलोनियों को रेगुलराइज नहीं करना चाहती है। अगर दिल्ली सरकार अनऑथराइज कॉलोनियों को रेगुलराइज कर सकती थी तो फिर केंद्र सरकार को एलजी के नेतृत्व में कमेटी बनाने का हक कहां से मिल गया? और अगर एलजी कर सकते थे तो फिर बार बार केंद्र सरकार झूठ क्यों बोलती रही? और करना भी था तो 5 साल में दिल्ली, इसी दिल्ली के अंदर केंद्र सरकार बैठती है, प्रधानमंत्री बैठते हैं, साथ के साथ सांसद भाजपा के चुन के गए। 5 साल में एक बार भी याद नहीं आई। चलो कमेटी ही बनानी थी तो बना तो देते। आखिरी कैबिनेट की बैठक में दिल्ली के अनऑथराइज कॉलोनियों को रेगुलराइज करने के लिए एलजी के नेतृत्व में कमेटी बनाई गई और वो कमेटी महीनों बाद अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। किसको सौंपेगी? यानी कि इस बार फिर जो वादा किया था भाजपा ने पिछले लोकसभा चुनाव के दौरान, 5 साल दिल्ली के लोगों को गुमराह करती रही और अब दोबारा फिर गुमराह करने के लिए एलजी की कमेटी बनाई गई है। इसके लिए दिल्ली के लोगों से भाजपा के सांसदों को और केंद्रीय अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर को माफी मांगनी चाहिए। दूसरी बात, पिछले कई महीनों से लगातार भाजपा चिल्लाती रही है कि दिल्ली की सरकार मेट्रो फेज 4 को रोकना चाहती है, इसके लिए षड्यंत्र कर रही है। दिल्ली की सरकार ने मेट्रो फेज 4 के 4 रूट को पास किया कैबिनेट में, बजट में कोई प्रावधान नहीं हुआ भाजपा के सरकार के द्वारा। और अब आखिरी बैठक में शायद किसी दबाव में, क्योंकि उनको लगा कि शायद ये झूठ नीचे नहीं जा पा रहा, तो आखिरी कैबिनेट की बैठक में मेट्रो फेज 4 के केवल और केवल 3 रूट को पास किया गया। मैं पूछना चाहता हूं कि जो 3 और रूट हैं जिसको दिल्ली सरकार ने कैबिनेट ने पास किया, वहां के लोगों का क्या गुनाह है? जब दिल्ली सरकार ने 6 रूट को पास किया था तो केंद्र सरकार आखिर 3 रूट को क्यों कट कर दी? इसका भाजपा के लोगों को जवाब देना पड़ेगा। और ठीक इसी तरह से दिल्ली के अंदर अपने मैनिफेस्टो में भाजपा ने पिछले चुनाव में पूर्ण राज्य का दर्जा दिल्ली को देने का वादा किया था। आज पूरे भाजपाई जमात पर, चाहे वो सांसद हो, चाहे वो प्रदेश का संगठन हो, चाहे केंद्र का संगठन हो, चाहे केंद्रीय मंत्री हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, पूर्ण राज्य के दर्जे पर जवाब देने में पूरे भाजपाई जमात को सांप सूंघा हुआ। कोई भी भाजपा का नेता बोलने को तैयार नहीं है कि पिछली बार जो दिल्ली के और केंद्र के मैनिफेस्टो में दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने का वादा किया था भाजपा ने, उस वादे का क्या हुआ? क्यों नहीं दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया? जबकि ये बात सच है कि दिल्ली के अंदर लगातार भारतीय जनता पार्टी के नेता पूर्ण राज्य के दर्जे की मांग को उठाते रहे, उसके लिए लड़ते रहे। भारतीय जनता पार्टी ने सबसे पहले कालका दास जी ने 1988 में पूर्ण राज्य के दर्जे की मांग उठाई थी, जो भाजपा के नेता थे। उसके बाद आलोक कुमार जी ने विधानसभा में
पूर्ण राज्य की मांग उठाई जो भाजपा के नेता थे, पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय मदनलाल खुराना जी ने पूर्ण राज्य की बात उठाई 26 अगस्त 1994 को, वो भाजपा के नेता थे। उसके बाद 1999 में पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने लोकसभा चुनाव में पूर्ण राज्य की बात उठाई, भाजपा के नेता थे। उसके बाद 2000 अगस्त 2003 में उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी जी ने स्टैंडिंग कमेटी में जो मामला रखा था पूर्ण राज्य का, वो भाजपा के नेता थे। उसके बाद किरण रिजिजू जी ने पूर्ण राज्य की बात की, भाजपा के नेता थे। उसके बाद विजय मल्होत्रा जी जो भाजपा के विपक्ष के नेता थे, उन्होंने पूर्ण राज्य की बात उठाई। उसके बाद नेशनल एग्जीक्यूटिव मीटिंग में पास किया भाजपा ने 2013 गोवा में कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाएगा। पूरी भाजपा की नेशनल एग्जीक्यूटिव राष्ट्रीय नेतृत्व ने वादा किया, वो सारे भाजपा के नेता थे। 2013 के विधानसभा के चुनाव के घोषणा पत्र में पूर्ण राज्य का वादा किया गया, सारे भाजपा के नेताओं ने वादा किया था, डॉक्टर हर्षवर्धन ने वादा किया था जो भाजपा के नेता थे। और उसके बाद लगातार भाजपा के नेता पूर्ण राज्य की बात करते रहे हैं। आज जब दिल्ली के लोग दिल्ली को पूर्ण राज्य की लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं, तो भाजपा का कोई भी नेता इस पर जवाब देने को तैयार नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी इस बार मैनिफेस्टो में पूर्ण राज्य का दर्जा का वादा करेगी या अपने मैनिफेस्टो से पूर्ण राज्य की बात को काट देगी। हमने 25 फरवरी को कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को लिखित में हमने चिट्ठी लिखी थी और हमने सारे दस्तावेज भाजपा के नेता को भेजा कि आपकी पार्टी का ये स्टैंड रहा है पूर्ण राज्य को लेकर के, आज आपका क्या स्टैंड है। हमने 3 सवाल पूछे थे। पहला कि जो पूर्व भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का मैनिफेस्टो में जो पूर्ण राज्य का वादा किया गया था, उससे आज की भाजपा सहमत है या असहमत है। दूसरी बात कि क्या दिल्ली को पूर्ण राज्य बनने से दिल्ली की जनता को फायदा होगा या नुकसान होगा, भाजपा का क्या मानना है। और तीसरा कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, आज लोकसभा चुनाव में भाजपा अपना स्टैंड क्लियर करे। 25 तारीख से आज तक भाजपा की तरफ से इसका जवाब नहीं आया। ठीक इसी तरह से हमने कांग्रेस पार्टी को भी, जब बार बार कांग्रेस पार्टी ने भी पूर्ण राज्य के दर्जे की बात दोहराई है, हमने कांग्रेस पार्टी को भी लिखित में भेजा था कि आप अपना स्टैंड क्लियर करिए कि दिल्ली के लोग जानना चाहते हैं कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने के आप पक्ष में हैं या विरोध में। कांग्रेस की तरफ से भी आज तक कोई जवाब नहीं आया है। इसलिए हमने ये प्लान किया है कि अगर कल तक हम वेट करेंगे, कल तक अगर इन दोनों पार्टियों से जवाब नहीं आता है, तो 10 तारीख को रविवार को भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय का हम घेराव करेंगे और हम उनको जवाब देने के लिए बाध्य करेंगे, और 11 तारीख को कांग्रेस पार्टी के कार्यालय का घेराव करेंगे, और हम जब तक भाजपा और कांग्रेस पूर्ण राज्य के दर्जे पर अपना स्टैंड क्लियर नहीं करते हैं, हम जगह जगह भाजपा के नेताओं का घेराव करते रहेंगे जब तक ये पूर्ण राज्य के दर्जे पर अपना स्टैंड नहीं क्लियर करते हैं। साथ ही साथ जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि पूरे दिल्ली के अंदर 10 तारीख से मेगा कैंपेन पूर्ण राज्य को लेकर के आम आदमी पार्टी शुरू कर रही है। इसके लिए सभी लोकसभाओं में 20-20 मिनी पूर्ण राज्य प्रचार रथ आम आदमी पार्टी ने तैयार किया है। उसको संडे को कल जो है 1 बजे सभी लोकसभा क्षेत्रों में इस प्रचार रथ को लॉन्च किया जाएगा, जिसमें इस प्रचार रथ के माध्यम से हमने ई रिक्शा पे प्रचार रथ बनाया है जो ऑडियो वीडियो सारा टेक्नोलॉजी से लैस होगा ये रथ, जिसमें अरविंद केजरीवाल की स्पीच को पूर्ण राज्य को लेकर के हम हर गली मोहल्ले तक उनकी स्पीच को पहुंचाएंगे और दिल्ली के लोगों से पूर्ण राज्य के पक्ष में अपने सांसद को जिताने की अपील को करेंगे। तो ये कल 1 बजे सभी लोकसभा क्षेत्रों में, हर लोकसभा में 20 हम प्रचार रथ लॉन्च कर रहे हैं जो अलग अलग हमारे गली में मोहल्ले में अनथराइज कॉलोनियों में झुग्गियों में जो ऐसी जगहें हैं कि जहां पर बड़ी गाड़ियां नहीं जा सकती, तो हर गली मोहल्ले में लगभग एक प्रचार रथ के माध्यम से लगभग डेली 8 से 10 हम वो जो है उनका वीडियो चलाएंगे जगह जगह।
जिससे कि लोगों को कम्युनिकेट कर पाए कि किस लिए पूर्ण राज्य जरूरी है दिल्ली के लिए। तो आज हमने ये निर्णय लिया है कि अगर कल तक इनका जवाब दोनों का नहीं आता है तो 10 तारीख को भाजपा कार्यालय पर प्रदर्शन करेगी आम आदमी पार्टी और 11 तारीख को कांग्रेस के कार्यालय पर प्रदर्शन करेगी। और जब तक ये लोग अपने पूर्ण राज्य के मुद्दे पर अपना स्पष्ट नहीं करते हैं स्टैंड, जगह जगह इनके नेताओं का घेराव किया जाएगा जब तक ये जवाब स्पष्ट नहीं करते।